सभी का स्वागत है। आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड ईएएफएम पेपर फर्स्ट बिजनेस बस्टिंग के चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ बजट के बारे में और डिटेल जानकारी लेंगे। इससे पहले आपको बजटों के वर्गीकरण में समय के आधार पर बजट को बतलाया गया था, जिसमें दीर्घकालीन बजट, अल्पकालीन बजट और चालू बजट शामिल था। आज लोचशीलता के आधार पर बजटों का वर्गीकरण बताया जा रहा है। यह दो प्रकार के होते हैं, स्थिर बजट और लोचशील बजट। स्थिर बजट वह बजट होता है जो बजट अवधि में अपरिवर्तित रहता है। यह क्रियाशीलता के एक विशेष स्तर के लिए बनाया जाता है। यदि भविष्य में परिस्थितियां परिवर्तित होने से क्रियाशीलता का वास्तविक स्तर बजटेड स्तर से अधिक या कम हो जाता है तो बजट अनुमानों को नहीं बदला जाता है। इस प्रकार क्रियाशीलता के एक निश्चित स्तर को स्थायी मानकर जो बजट बनाया जाता है वह बजट स्थिर बजट कहलाता है। उदाहरण स्वरूप, एक बजट 50,000 इकाइयों के उत्पादन के लिए बनाया जा सकता है, वास्तविक उत्पादन 70,000 इकाइयों का हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वह स्थिर बजट है। तो वास्तविक संख्या और बजटेड अनुमानों में अंतर क्रियाशीलता स्तर में परिवर्तन के लिए बिना किसी प्रकार का समायोजन किए ज्ञात किया जाएगा। इस प्रकार के बजट जो है वह भ्रामक स्थितियां उत्पन्न करते हैं, क्योंकि ये बजट स्थिर बजट जो होते हैं उनमें बहुत सारे दोष हैं, पूर्णतया अपर्याप्त होते हैं। इनमें सबसे पहले तो भ्रामक स्थिति पैदा होती है कि आदमी भ्रम में रहता है कि अपन ने 50,000 का बजट बना लिया, वो 70,000 में भी काम आ जाएगा, 1,00,000 में भी काम आ जाएगा, लेकिन वास्तव में इन सब में परिवर्तन होता रहता है और भी अन्य परिवर्तन होते रहते हैं जिनका समायोजन आवश्यक होता है। नियंत्रण की दृष्टि से भी अपर्याप्त है, इन पर आप आवश्यक नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकते, मतलब स्टैंडर्ड में और एक्चुअल में अंतर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कहाँ अंतर है इसको निकाल पाना संभव नहीं होता है। इसी प्रकार से ये तर्कसंगत भी नहीं होते, अतार्किक होते हैं, क्योंकि आप किसी चीज़ की एक समान परिस्थिति की तुलना दूसरी समान असमान परिस्थिति से नहीं कर सकते, इसलिए तर्कसंगत भी नहीं होता है। तो इसलिए स्थिर बजट में अनेक दोष होने के कारण से आजकल लोचशील बजट का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतया बजट क्रियाशीलता के स्तर को लक्ष्य मानकर तैयार किए जाते हैं। क्रियाशीलता स्तर या उत्पादन मात्रा से आशा है कि कुल उत्पादन कुल क्षमता का कितना प्रतिशत है। सभी क्रियात्मक बजट एक नियोजित क्रियाशीलता स्तर पर आधारित होते, जैसे उत्पादन क्षमता के 75% पर 50,000 इकाइयाँ हैं तो उसी अनुसार आगे इकाइयों को एडजस्ट किया जाता है और क्रियाशीलता के एक निश्चित स्तर जो है वो तय किया जाता है। इस प्रकार लागतों को छांटना एवं विभिन्न क्रियाशीलता के स्तरों के लिए उनकी परिवर्तनशीलता का निर्धारण ही लोचशील बजट समस्या का मूल प्रश्न है। अर्थात लोचशील बजट में एक निश्चित स्तर तक लोचशीलता क्रिएट की जाती है और उसका प्रभाव जानकर उसमें आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं। लोचशील बजट में लागत को दो भागों में विभक्त किया जाता है, बल्कि तीन भाग में विभक्त करते हैं। पहला है स्थिर लागत, दूसरा है परिवर्तनशील लागत। स्थिर लागत से आशय उत्पादन के प्रत्येक स्तर में अपरिवर्तित रहती है, जबकि परिवर्तनशील लागत उत्पादन के प्रत्येक स्तर में बदलती रहती है, परिवर्तनशील होती है, इसलिए इसका नाम परिवर्तनशील लागत रखा गया है। और तीसरा है अर्धपरिवर्तनशील लागत। अर्धपरिवर्तनशील लागत यानी कि जो कुछ स्तर तक तो स्थिर होती है और कुछ सीमा के बाद वह परिवर्तनशील हो जाती है। कई विद्वान इसको स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में ही शिफ्ट करने का भी निर्देश देते हैं, सुझाव देते हैं, लेकिन इसको अर्ध परिवर्तनशील लागत को
इसी रूप में देखा जाए तो इसका कुछ हिस्सा स्थिर होता है और कुछ हिस्सा जो है वो परिवर्तनशील होता है। तो इस प्रकार की जो लागतें हैं उनका उनमें से स्थिर हिस्सा और परिवर्तनशील हिस्सा अलग अलग करने का प्रयास किया जाता है और इसके लिए एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, लागतों की राशि में अंतर बटा उत्पादन की मात्रा में अंतर, जिसको आगे आने वाले वीडियोज़ में और अच्छे से समझाया जाएगा, डिटेल में समझाया जाएगा। आज आपको स्थिर बजट और लोडशील बजट को मुख्यतः समझाना है। उसी कड़ी में आगे चलते हुए स्थिर बजट और लोडशील बजट में अंतर, स्थिर बजट प्रकृति के आधार पर अंतर। स्थिर बजट यह अपरिवर्तनशील होता है जबकि लोडशील बजट परिवर्तनशील होता है। यह क्रियाशीलता के प्रत्येक स्तर पर समान बना रहता है जबकि वह क्रियाशीलता के प्रत्येक स्तर पर बदलता रहता है। दूसरा, परिस्थितियाँ, इसमें ये माना जाता है कि परिस्थितियाँ यथावत रहेंगी जबकि लोडशील बजट में मानते हैं कि परिस्थितियाँ बदलती रहेंगी। लागत का वर्गीकरण, लागतों को परिवर्तनशीलता की प्रकृति के अनुसार विभाजित नहीं किया जाता है जबकि इसमें लोडशील बजट में अभी अपन ने देखा स्थिर, परिवर्तनशील और अर्ध परिवर्तनशील तीन प्रकार से इसको विभक्त किया जाता है। तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थिर बजट से तुलना संभव नहीं है जबकि लोडशील बजट से तुलना संभव है। पूर्वानुमान, स्थिर बजट से पूर्वानुमान तो लगा सकते हैं लेकिन शुद्ध पूर्वानुमान की आशा नहीं की जा सकती। शुद्ध पूर्वानुमान काफ़ी कठिन होता है जबकि लोडशील बजट से पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। लागत का निर्धारण नहीं, स्थिर बजट से प्रत्येक परिवर्तनशील परिस्थितियों के आधार पर लागत का निर्धारण नहीं हो सकता है जबकि लोडशील बजट में आप लागत को आसानी से एस्टीमेट कर सकते हैं, अनुमानित कर सकते हैं और बतला सकते हैं। तो इस प्रकार से स्थिर बजट और लोडशील बजट में अंतर देखा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण अंतर है जो कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा भी जाता है कि स्थिर बजट और लोडशील बजट में क्या अंतर है। कई बार 2 नंबर में, कई बार 4 नंबर में और कई बार बड़े प्रश्नों में भी ये पूछा जाता है। अब जैसे अभी 8 नंबर की व्यवस्था है तो ये 8 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो स्थिर बजट और लोडशील बजट पूर्णतया अलग अलग हैं और जिसमें से लोडशील बजट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण बजट की श्रेणी में आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार की श्रेणी में आता है और इसके आधार पर कई सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो स्थिर बजट और लोडशील बजट को आज अपन ने देखा है, आगे इनके कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।